हेलो विवान, सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये मेरा बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो बस गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये भगवान जी बैठे हैं मेरे, कृष्णा यानी लल्ला बैठे हुए हैं। लाइट जला रखी, शाम का समय हो गया, 4:30 बज रहे हैं। तो बस 4:30 बजे, मतलब मुहूर्त के हिसाब से बैठा है तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैंने यहाँ पर अभी इनको बैठा दिया, क्योंकि इन्हें पर मुझे बैठाना है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर इनकी जगह कर दी है। अब इनकी तैयारी करूँगी, क्योंकि लेट हो गई, आज बहुत ज़्यादा काम था मार्केट में, तो लेट हो गई, तो बस इनको मैंने बैठा दिया है। और चलिए शुरू करते हैं तैयारी, किस तरह से मैं अपना गणेश जी का पूरा जो पांडा किस तरह तैयार करती, किस तरह से जाती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऊपर इसकी दादी की यहाँ पूजा हो चुकी है, तो ये लड्डू लेके आई है काव्या। थोड़ा सा झूठा कर लिया, तो ये आप खा लो। हेलो, तो बोल, तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं अपन वीडियो में। चलो शुरू में तैयारी कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी पूरी तैयारी करने के बाद किस तरह से मैं तैयारी करूँगी। और तैयारी करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे जो बाल गोपाल है, मेरे जो लल्ला है छोटे से, उनको दिखा देती हूँ किस तरह से बैठे हुए मंदिर में। देखिए, तो ये मेरा पूजा घर है, मतलब पूजा का एरिया है, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर लेट हो जाऊँगी, फिर मिलती हूँ। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसी से मैं डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ जो ये देती है फरियाँ, ये रखी हैं, तो इन्हीं से मैं इस तरह से डेकोरेट कर देती हूँ। और ऊपर जो मैंने लगाया ना, वो बांदरवाड़ होता है दरवाजे पे जो लगाते हैं ना, वो तो वो रखा हुआ था मेरे पास, तो उससे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है ऊपर वाला एरिया। और अब मैं चारों तरफ इस तरह से लगा दूँगी इनको, तो मतलब सिंपल सा डेकोरेशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं था, आपको पता ही है, मैंने बताया टाइम नहीं था, इस वजह से कुछ अच्छा डेकोरेशन नहीं कर पाई। और यहाँ पर ये देखिए गणपति जी, बहुत ही सुंदर गणपति जी आए थे। मतलब इनका कोई मेकअप नहीं था ज़्यादा, लेकिन इतने सुंदर लग रहे थे ना, जैसे बहुत से आजकल गणपति जी सजे हुए मिलते हैं, तो उस तरह से कुछ भी नहीं थे, ये बहुत ही सिंपल से थे, बहुत ही सुंदर से, तो अलग ही लुक लग रहा था इनका। इस तरह गणपति जी मैं सबसे पहले लेके आई, जब मैंने पहली बार बिठाए थे ना गणपति जी, उस समय लेके आई थी, तो इससे थोड़े बड़े थे वो, लेकिन वो भी इसी तरीके थे। मतलब एकदम ध्यान जाता है ना फेस पे, और उनकी जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है उस पर जाता है, तो एकदम बहुत ही सुंदर लगते, उस तरह के गणपति जी लग रहे थे बहुत प्यारे से। ये माला जो है ना बहुत बड़ी थी, तो मैंने इसको छोटी करी, यहाँ पर बहुत बड़ी माला थी ये, बस तो यहाँ छोटी करके मैंने लगा दी है इनको। और यहाँ पर मेरे लल्ला है, इनको भी मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है, तो बस यहाँ पर ये भी तैयार हो चुके हैं, तो इनको बिठा देती हूँ इनके स्थान पे, यानी कि इनके झूले में। लल्ला है छोटे हैं, तो इनको मैं झूले में ही बिठा के रखती हूँ, और सोने की जगह इनकी अलग है। ये देखिए, किस दिन इनका भी मैं फुल व्लॉग बनाऊँगी, फुल वीडियो बनाऊँगी, और अभी तो फिलहाल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी एक नया काम और शुरू करा हम लोगों ने, तो उसका भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी आप लोग के लिए। तो यहाँ पर बस मैं तिलक कर देती हूँ, स्वास्तिक बना देती हूँ। तो जब भी आप गणपति जी बैठाएं, तो नारियल और कलश जरूर रखें, और स्वास्तिक बनाएं कलश के ऊपर, नारियल पे तिलक लगाएं या स्वास्तिक बनाएं, कलश पे मुरली का धागा बांधे, जो मूली का धागा होता है ना वो बांधे, और मतलब खाली नहीं छोड़ना है। फल फूल जो भी आपके पास अवेलेबल हो रखे, कलश के नीचे अक्षत रखे, और अक्षत इस बात का ध्यान रखे कि साबुत हो। तो यहाँ पर मैं साबुत अक्षत देख के, और फिर तिलक पे भी साबुत अक्षत ही लगाई हूँ। बस यहाँ दिया तैयार कर लेते हैं, तो मंदिर में भी दिया तैयार कर लूँगी मैं, क्योंकि ये सब तैयारी करते करते मेरे को 5:30-6 बज गए हैं। तो बस यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ अभी, क्योंकि गणपति जी की स्थापना की है, तो पूजा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर गणपति जी की आरती करूँगी और भोग लगाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माते सिंदूर सोने महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेरा, लड्डू का भोग लगे संत चढ़े से करे गोकाला, माया देवा सूर श्याम शरण आए, माता जाकी पार्वती पिता महारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कपूर गोरम गणा सारम संसार सारम, गुरु
और पूजा हो चुकी है। काव्या बहुत खुश लग रही है। वैसे देखा जाए तो गणपति जब तक 10 दिन घर में रहते हैं ना, इतनी खुशी रहती है, इतना अच्छा लगता है ना। और जब जाते हैं ना तो एकदम सूना सूना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं भोग लगा देती हूँ, भोग लगा के और सबको प्रसाद बांट दूँगी। तो वही है कि जब तक गणपति जी नौ दुर्गा का दिन रहता है, मतलब कितना अच्छा लगता है, पूरा समय कब निकल जाता पता नहीं चलता है। तो चलिए, पूजा हो चुकी है और मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ भी बहुत ही अच्छे से गणेश जी की स्थापना हो चुकी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये था छोटा सा गणेश स्थापना का ब्लॉग। इसी तरह की ब्लॉग जानकारी और उपाय लेके फिर आती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।